जाको कभी हिलफ हुए नहीं मैम। एग्जैक्टली। और जितने भी चेहरे आपने आसपास बिठाए हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर देखूं उधर देखूं ना देखूं। अनुपम खेर स्टारर द कश्मीर फाइल्स इज अ फिक्शनल टेल दैट हाइलाइट्स अट्रोसिटीज अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स इन द 1990s। जितने भी कश्मीरी पंडितों से मैं मिला, उनका जो सबसे बड़ा दुख और मलाल है, मुझसे सब लोगों ने अलग अलग तरह से बोला, अगर पाकिस्तान से टेररिस्ट आके हमारे साथ ये करते, जो ऐसा नहीं है कि वो करते तो एक बार समझ भी सकते थे, पर हमारा कत्ल करने वाले हमारे पड़ोसी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फिल्म देखिएगा आप, स्टूडेंट्स ने किया है, जिन टीचरों ने उन्हें पढ़ा के बी ए एम ए किया है, हमारे दोस्त सहेलियाँ इन लोगों ने किया है, जो हमारे घर में आके खेलते थे बच्चे, जरा जरा से इतने से हमारे घर में जिनने घुटनों घुटनों चलना सीखा, जब वो बड़े हो गए मूछें आ गई, उन्होंने आके हमारे पति को मार दिया। ये जो गम है अपनों ने ही हमको मारा, वो गम जो है मुझे लगता नहीं है इनके जीते जी कभी इनके दिल से निकल सकता। वो अमानवीय लोग हैं, उनमें उनके दिल में उनके शरीर में दिल नहीं है, राक्षस हैं। क्योंकि आप कैसे इंसान महसूस करते हैं कि आप इंसान हैं, जब आपका किसी के लिए आपका दूसरे का दुख आपको अपना दुख लगता है, तो लगता है कि आप इंसान हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, आप लोगों की तकलीफ में बिलीव करते हैं। तो जिन लोगों में दूसरे के दुख के प्रति कोई दुख व्यक्त नहीं होता है, उनके बारे में हम क्या बात करें। द फिल्म ऑन द एग्जोडस ऑफ हिंदूज फ्रॉम कश्मीर इन द 1990s हैज किक्ड अप अ स्टॉर्म इन इंडिया। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं न्यूयॉर्क में रह रहा था उस समय, और मैं अकेला 36 फ्लोर पे था, तो मैं बहुत रोया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद उस सपने को पूरा होता देख रहा था, कि जो 32 साल से नहीं हुआ था कि किसी ने हमारी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। उसमें मैंने अपने दादाजी को देखा था, मैंने अपने पिताजी को देखा था, जो मेरा नाम है इस फिल्म में पुष्कर नाथ, वो मेरे पिताजी का नाम था। और आई थॉट दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू गिव अ ट्रिब्यूट टू नॉट ओनली माई पेरेंट्स, माई फादर एंड माई ग्रैंड फादर एंड माई अदर अंकल्स, बट ये बेस्ट तरीका है कि मैं उन 5 लाख लोगों को उनके दर्द को दुनिया तक पहुँचा सकूँ थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पुष्कर नाथ पंडित। इट इवन मेड इट टू द पार्लियामेंट। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई पिछले 5-6 दिन से, और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया, आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री का ऐसे बड़े मंच से बोलना ये बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ, मुझे लगता है कि चीज़ें होती हैं, देर ज़रूर होती है लेकिन होती हैं। तो आज जब हम यहाँ आंसू बहा रहे हैं, ये दुख के तो हैं ही, मगर उससे ज़्यादा इस बात के हैं कि हमारे दुख को किसी ने पहचाना। कश्मीरी पंडित्स वर सीन ब्रेकिंग डाउन, रिकॉलिंग द पेन ऑफ लीविंग देयर होमलैंड आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अब ये दर्द पूरी सारी सरकार को दिख रहा है, दिखेगा, अभी तक नहीं दिखाता है। 32 साल हुए, अब इस चीज से कोई नकारा भी नहीं, क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ। आप क्या आंसू नहीं रुक रहे, कुछ कुछ आप बोलना चाहते हैं? क्या बोले? जो मैं सुनती थी इनके मुंह से, वो मुझे लगता था कि हाँ हुआ होगा ऐसा, तब हमको उतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन ये मूवी देख के मुझे मेरी आंखें खुल गई कि क्या हुआ था हमारे साथ उस समय, इन लोगों के साथ क्या हुआ था। The Kashmir Files has been trending on social media ever since its release on March 11th. For more informative videos like this, keep watching India Today NewsMo.